फ़नून लतीफ़ा में फ़न मौसीकी का मर्तबा बुलंद तर समझा जाता है। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, इसका कब्ज़ा बराए रास रूह व कलब पे होता है। जिस कदर इस फ़न ने तरक्की की, इसके दिल फरेबी बढ़ती गई। इंसान और हैवान यकसां तौर पर इससे मुतासर हुए। इसकी हमागिरियत में मज़हब कौमो मिल्लत और मुल्क का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आलात मौसीकी पे नज़र डालें। तबला जनूबी एशिया का एक मारूफ आला मौसीकी है, जो क्लासिकी और मजहबी मौसीकी, जो जनूबी एशियाई ममालिक और हिंदुस्तानी क्लासी मौसीकी का खासा है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ढोलक एक जनूबी एशियाई सांस है, एक दो पहलू दस्ती ढोल है, जिसे सूत की रस्सियों और दांत के बक्सुओं के साथ कसकर बांधा जाता है। हारमोनियम, जिसको कभी कभार पेटी भी कहा जाता है, एक सांस है जो ढोलकनी और पियानो की तरह कीबोर्ड के जरिए बजाया जाता है। सरूद बरसीर का एक तांतल सांस है, जो ज़्यादातर बरसीर की क्लासी मौसीकी में इस्तेमाल किया जाता है। सतार के अलावा ये हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का मकबूल और नुमाया साज है। चिमटा मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला एक नायाब साज है, जो आवाज़ की दिलकशी में मज़ीद इजाफा करता है। रुबाब एक आला मौसीकी है, जिसकी इब्तदा अफगानिस्तान से हुई और बाद में इस्लामी तजारती रास्तों के ज़रिए मशरकी वस्ता, मशरक़ बईद और यूरोप तक फैल गया। दिलरुबा को सराज भी कहते हैं। ये अपने अंदर बेपनाह तासीर लिए हुए है। दिलरुबा पर चार तारें 24 तरबें होती हैं। तारें सतार की सुरखी की जाती हैं। सतार क्लासिकल मौसीकी का एक नामवर और मशहूर तरसास है, जो आज भी भारत और पाकिस्तान में दिलकशी से और दिलचस्पी से सुना और बजाया जाता है। तुम्बी, जिसे तुम्बा भी कहा जाता है, बरसीर के शुमाली इलाके पंजाब की एक रवायती मौसीकी का आला है। ऊंची आवाज़ में सिंगल तार वाले पलक आला पंजाब के लोक मौसीकी से वाबस्ता हैं और इस वक्त मगरबी भंगड़ा मौसीकी बहुत मशहूर है। सरंगा बरसीर पाको हिंद का एक झुका हुआ कलील गर्दन वाला तार है, जो पंजाबी लोक म्यूज़िक, राजस्थानी लोक म्यूज़िक और बोरो लोक म्यूज़िक में इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इंसानी आवाज़ की आवाज़ से मुशाहबत रखता है। सीप, जिसे चीका भी कहा जाता है, इसके हिजे में सीप या सोप पंजाबी का एक मौसीकी आला है। ये लोक रक्स भंगड़ा के लिए इस्तेमाल होता है। लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सी साइज़ के छोटे हिस्से होते हैं। खड़ताल एक कदीम आला है, जो बुनियादी तौर पर लोक गीतों में इस्तेमाल होता है। इसने संस्कृत के लफ्ज़ कारा यानी हाथ और तिला के मनी बजाने से इसका नाम लिया गया है। गागिर एक दांत का घड़ा है, जो पिछले दिनों में पानी जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इसे पंजाबी लोक गानों और नाचों के लिए इस्तेमाल किया गया और ये मौसीकी में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता था। अलगोज़ा लकड़ी के एक जोड़ा बनाने वाला आला है, जो बलोच, सिंधी, खिच्ची, राजस्थानी और पंजाबी लोक मौसीकारों ने इस्तेमाल किया था।